युगों युगों से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 16 दिसंबर 2019 दिन सोमवार, पौष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज चतुर्दशी तिथि सुबह 5:34 तक रहेगी और उसके बाद पंचमी तिथि लग जाए। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से लेकर 12:36 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 8:27 से लेकर 9:44 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और कोई बड़ी डील फाइनलाइज होने से आपको अच्छी खासी रकम कमीशन में मिल सकती है। आज गणित के छात्र विशेष तौर पर मन लगाकर अपनी पढ़ाई में रुचि ले पाएंगे और आज अपने प्रयासों से वो मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी हल कर लेंगे। आज आप किसी भी शुभ काम को करने से परहेज करें। आज यदि आप किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो किसी न किसी कारणवश वो अधूरा रह सकता है। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु माँ रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते। छात्र भी आज कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने से परहेज करें। आज आपके लाइफ पार्टनर को क्रोध भी अधिक आएगा और वो आपसे झगड़ा करने के लिए उतारू होंगे, इसलिए आज आपको डबल मेहनत करनी है, उनको भी शांत रखना है और खुद भी सोच समझ कर ही कुछ कहना है। आज आप दही की मीठी लस्सी पिए, ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज अपनी बुआ के घर जाकर उन्हें मीठा खिलाकर उनका आशीर्वाद लेना भी आपके बिजनेस के लिए शुभ सिद्ध होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए, और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप काल सर्प के दुष्प्रभावों से कुछ हद तक बच सकते हैं। देखिए भक्तगणों, काल सर्प दोष आप अपनी कुंडली में जन्म के साथ लेकर आए थे और उसके जो दुष्प्रभाव है वो आपको पूरी जिंदगी मिलेंगे। काल सर्प दोष का शमन आपकी कुंडली में नहीं हो सकता है, परंतु आप इसके जो दुष्प्रभाव है उनको कुछ हद तक कम करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम क्रोम नमो अस्तु सर्पेभ्यो काल सर्प शांति कुरु कुरु स्वाहा। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम क्रोम नमो अस्तु सर्पेभ्यो काल सर्प शांति कुरु कुरु स्वाहा। देखिए भक्तों, काल सर्प दोष से यदि आप अत्यंत पीड़ित हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप एक काल सर्प दोष का जो लॉकेट है वो धारण करें, उसमें राहु देवता के लिए गोमेद और केतु देवता के लिए कैच आई का जो स्टोन है, जो प्रीशियस जेम है, वो लगे होते हैं। यदि उनकी मंत्र सिद्धि प्राण प्रतिष्ठा करे हुए आप इस लॉकेट को धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर काल सर्प के दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। इस लॉकेट को प्राप्त करने के लिए आपको तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करना चाहिए। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के तहत जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।